तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन, कलेक्टर पर छूटे सैकड़ों युवा, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ लगाए नारे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति की मांग को लेकर राजस्थान भर से जुटे युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि राज्य सरकार में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार बैठे हैं, विभिन्न सरकारी महकमे में भी पद खाली पड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। युवाओं ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी है। हमारे आज लगातार जो धरना है 7 दिन से चल रहा है, 7 बजे तो हम सरकार को नहीं आने से उनकी तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसकी पीटों की बहुत ज़्यादा संख्या हो चुकी है। हमारी मांग ये है कि जो रेड लेवल जो भर्ती है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया के आगे जारी किया जाए और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 उसके भी रिजल्ट जारी किया जाए। अगर रैली RPSC से लेकर के हमारे धरना स्थल तक, माया मंदिर के पास हमारा जो धरना स्थल बना हुआ है वहाँ तक हमने ये सब यात्रा निकाली है। सब यात्रा में वसुंधरा राजे और शिक्षा मंत्री देवनानी जी दोनों को निकाला गया है और उनका पुतला जलाया है।